डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने गांव में हूं और आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज टीचर्स डे है 5 सितंबर, और आप सभी को टीचर्स डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मैं अपना गांव घुमा के आज दिखा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहां पे कौन कौन सा घर है। और जैसे कि मैंने बताया था कि अब गाँव में गाँव जैसा नहीं रह गया है। पहले गाँव में मिट्टी का घर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक भी मिट्टी का घर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा सा मिलेगा तो मेरा ही घर मिलेगा। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, चलिए मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, देखिए मेरे साथ है, ये मेरा चचेरा भाई लगता है, और इसके साथ बचपन में हम लोग खेलते थे। देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारा गुल्ली डंडा खेलते थे, गोली खेलते थे, दिन दिन भर लगे रहते थे। अब जो है ये हमसे भी बड़ा आदमी बन चुका है। और ये देखिए हमारे साथ है, हमारे भैया लगते हैं यहाँ पे है। ये बहुत पहले ही धनबाद में रहा करते थे, अब गाँव में आ गए हैं। और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी ही यहाँ पे आके सेटल हो जाऊँगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग गाँव घूम कर देखते हैं। ये है गली मेरे घर का, और चलिए देखते हैं। मेरा घर जो है लगभग लगभग टूट चुका है। तो ये यहाँ पे इस तरह का है ये घर, और यहाँ पे ये खुला हुआ है, जिसके वजह से मेरे पड़ोसी लोग जो हैं वो, ये मेरा आंगन है, पड़ोसी लोग जो हैं बालू यहाँ पे रखे हुए हैं। खुला रहने की वजह से उन लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। जिन लोगों को भी ज़रूरत पड़ता है वे लोग इसका यूज करते हैं। इस घर को देखिए, ये मेरा पुराना घर है और मैं 22 साल पहले यहीं पे रहा करता था। ये देखिए, ये एक छत का घर है और ये एक खपड़ा वाला घर है। तो आज के डेट में काफ़ी डैमेज हो चुका है, मैं यहाँ पर रहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मैं देखने के लिए आया हुआ हूँ। चलिए इसके बाहर चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये गली जो है, हम लोग यहाँ पे बचपन में खेला करते थे, और ये गली बिल्कुल ही कच्चा हुआ करता था, लेकिन अब पक्का हो गया है। यहाँ पे देखिए, पहले गाँव में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, लेकिन अब लगभग लगभग हर घर में मोटरसाइकिल है। और यहाँ पे ये कुआं है छोटा सा, ये बहुत पुराना कुआं है, बचपन में हम लोग यहाँ पे नहाया करते थे। अभी जो है इसका पानी पीने लायक नहीं है, लोग इसका पानी नहीं पीते हैं। और ये गली जो बिल्कुल कच्चा हुआ करता था, अब पक्का हो गया है। ये घर जो है आप लोगों को, सभी मेरे रिश्तेदार लोगों का है। यहाँ पे इस गली से हम लोग जा सकते हैं और हम लोग खेत की ओर चले जाते हैं। ये गली थोड़ी सी लंबी है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कई घर बन चुका है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो है इतना सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है। तो इसमें ये मेरा ही बारी है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा। यहाँ से शुरू होता है खेत का इलाका, यहाँ पे कई घर बन चुके हैं। ये देखिए पेड़ पौधे सब जो है, जिसको गोतिया बोला जाता है, उन लोगों का खेत है। ये देखिए घर है, इस तरह से सारा घर बन चुका है, पक्का का घर बन चुका है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये खेत है, ये खेतों में जो है धान लगा हुआ है। अभी बारिश का समय है, भादों का महीना है। चलिए मैं आपको खेतों की हरियाली दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ घर बन चुके हैं खेतों में, ये देखिए पेड़ है यहाँ पे। खेतों की हरियाली, कहते हैं भारत जो है गांवों का देश है, तो गांव की हरियाली क्या होती है हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसको दूर तक हम लोग देखेंगे तो हरियाली ही हरियाली नज़र आएगा। खेती अभी जो है धान का समय है, तो सभी खेतों में धान लगा हुआ है, इसीलिए हरियाली दिख रहा है। और झारखंड में ज़्यादा खेती नहीं होता, यहाँ पे मकई का पौधा लगा हुआ है, तो झारखंड में ज़्यादा खेती नहीं होता, लेकिन गाँव में इतना खेती हो जाता है कि लोग कम से कम एक साल का अनाज खा सकते हैं, जिसके यहाँ ज़्यादा खेत है। और जिसके यहाँ कम है उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अभी सरकार जो है गरीब लोगों को सबको चावल महीने में देती है, इसीलिए कोई समस्या भी नहीं आता है। तो अब चलते हैं वापस हम लोग। ये देखिए यहाँ पे आकाश है, देखिए आज क्या खाने को मिला इसको। बाबू क्या खाया बतलाओ, कौन सी खाया यहाँ कुछ खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए मिला। तो आज जो है यहाँ पे मनसा पूजा सब मना रहे हैं, इसीलिए इसको प्रसाद मिला है।
और यहाँ पे जो है छुट्टू का घर है, इसका नाम छुट्टू है लेकिन अब छुट्टू नहीं है, ये भीम रविदास है। तो ऐसा सबको छुट्टू छुट्टू बोलते हैं। अभी तो हम लोग अपना छत पे जाने के लिए छुट्टू के घर से जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं छत पे। इस तरह से यहाँ पे चलो, ये गली है, इधर से जाना पड़ेगा। ये सीढ़ी है, यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं सीढ़ी से। बाबू ठीक से चलो। ये है छत पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये छत है और यहाँ से हम लोग नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोटा सोटा, ये है मेरा छत। यहाँ पे हम लोग इसको नीचे आते हैं यहाँ पे, और ये है छत मेरा। ये देखिए यहाँ पे बगल में बारी हुआ करता था, जो हम लोगों को कभी कभी इससे हेल्प मिल जाया करता था। बड़ा बारी है ये, और इसके यहाँ पे देखिए मेरा घर जो है ऊपर से दिख रहा है ये। यहाँ पे ये कपड़ा वाला जो है, और कपड़ा वाला घर में आप जानते हैं कितनों भी आप ठीक करवा लीजिए, ऊपर पानी बीच बीच में आता ही रहेगा, इसलिए परेशानी होता ही है। तो यही एक घर बचा हुआ है मिट्टी का, अदरवाइज पूरा गांव में कोई घर मिट्टी का नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे, मेरा गांव को समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।